हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार। एंड आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक वायरल रेसिपी जो कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में बहुत ही वायरल हो रहा है, जो है डालगोना कॉफ़ी। आप घर पर बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं देन प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बोल। बोल में डालेंगे 1/3 कॉफ़ी पाउडर। एक्चुअली मैंने 1/3 से ज़्यादा ही लिया है। और मेजरमेंट के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जितना कप आप कॉफ़ी लेंगे उतना ही चीनी लेना पड़ेगा एंड साथ ही उतना ही वाटर लेना पड़ेगा। और मैंने चीनी भी उस हिसाब से लिया है जितना कॉफ़ी पाउडर, एंड चीनी को मैंने थोड़ा ग्राइंड कर लिया था क्योंकि मेरे पास पिसा हुआ चीनी नहीं था। सो अगर आप चाहे ग्राइंड कर सकते हैं या फिर नॉर्मल चीनी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम डालेंगे वार्म वाटर। अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे जब तक क्रीमी टेक्सचर बन नहीं जाता। सो मेरे पास इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर नहीं है, सो मैं इसे नॉर्मल ब्लेंडर से मिक्स करते जाऊंगी। सो स्टार्टिंग में मैंने स्पून से ब्लेंडिंग किया था। सो ब्लेंडिंग करते करते आप लोगों को ऐसा मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ब्लेंडिंग करने के बाद बहुत ही गाढ़ा हो चुका है मिक्सचर। सो ऐसा ही कंसिस्टेंसी आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी ऐसा कंसिस्टेंसी पाने के लिए एटलीस्ट आपको 45 मिनट्स ब्लेंड करना पड़ेगा। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर आपके पास हैंड मिक्सर इलेक्ट्रिक वाला होगा तो बहुत ही लकी हैं आप। सो आप देख रहे हैं बहुत ही थिक बना है, गिर ही नहीं रहा है ब्लेंडर से। सो ऐसा ही कंसिस्टेंसी आप लोगों को चाहिए। सो अभी हम रेडी कर लेते हैं डालगोना कॉफी। सो मैंने ले लिया है 4 ग्लासेस। अभी हम डालेंगे आइस क्यूब। इसके बाद अब हम डालेंगे मिल्क। सो अभी हम डाल रहे हैं व्हिप्ड कॉफी। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये व्हिप्ड कॉफी फ्लोट करना चाहिए मिल्क के ऊपर। सो तभी ही ये बनेगा परफेक्ट डालगोना कॉफी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कितनी इजी तरीके से मैंने डालगोना कॉफ़ी बना लिया है। आप भी अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। सो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, स्टे सेफ, स्टे एट होम।